श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापान कुंसा एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस दिन एकादशी का व्रत करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापान कुंसा एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की विधिवत पूजा अर्चना और मौन रहकर भगवत स्मरण करने की परंपरा है। अगर इस दिन आप भगवान पद्मनाभ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपका मन शुद्ध होकर आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पापान कुंसा एकादशी व्रत 25 अक्टूबर दिन बुधवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर को शाम के 3:14 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 अक्टूबर को दोपहर के 12:32 पर। एकादशी पारण का समय होगा 26 अक्टूबर प्रातः काल 6:28 से लेकर प्रातः काल 8:43 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 6:53 से सुबह के 8:21 तक। राहु काल का समय है दोपहर के 12:10 से दोपहर के 1:35 तक। कुलीक काल का समय है सुबह के 10:46 से दोपहर के 12:10 तक। दुर्मुहूर्त है सुबह के 11:48 से दोपहर के 12:33 तक। वर्जम काल मुहूर्त है शाम के 7:21 से रात्रि के 8:49 तक। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल में कलश और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी की प्रतिमा के सामने एक दीपक और उन्हें फल फूल नारियल और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। व्रत कथा और आरती करें। एक बात का खास ध्यान रखें कि आपको विष्णु पूजा के समय तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। हो सके तो रात्रि में जागरण व भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। पापान कुंसा एकादशी के दिन अगर आप प्रातः काल और सायं काल में श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप का पूजा कर उनके मस्तक पर सफेद चंदन लगाकर उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक जलाते हैं और एक दीपक तुलसी के पौधे के समीप जलाकर रख देते हैं तो इस उपाय से आपके सभी प्रकार के सुख समृद्धि सफलता प्राप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।